नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इससे पहले आपने पढ़ा शोषण के विरुद्ध अधिकार, आज हम जानेंगे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार क्या हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक दिए गए हैं, जो आपको इस प्रकार स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाएंगे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार क्या हैं। मित्रों, धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 क्या कहता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अनुच्छेद 25 जो है, धर्म प्रचार एवं धार्मिक प्रथाओं, कोई व्यक्ति हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अपने अपने धर्म का प्रचार कर सकता है और धार्मिक प्रथाओं में भाग व हिस्सा ले सकता है। यह आर्टिकल अनुच्छेद 25 कहता है। अनुच्छेद 25 किसी को बाध्य नहीं करता धर्म प्रचार ना करने में। सब अपना अपने धर्म का प्रचार करें, धर्म को आगे बढ़ें। अनुच्छेद 25 का उद्देश्य यही है मित्रों। और सबसे बड़ी बात, भारत का संविधान जो हमारा है वो किसी धर्म का संविधान नहीं है। भारतीय संविधान का उद्देश्य है सारे अपना अपना धर्म का प्रचार करें, और सबसे बड़ा उद्देश्य है हमारे भारत देश का कोई धार्मिक वर्चस्व नहीं है, सब अपने अपने धर्म का प्रचार कर सकें। जैसे कई देश है, कोई हिंदू राष्ट्र है, कोई मुस्लिम राष्ट्र है, वैसे हमारे देश का कोई या राज्य का कोई धर्म नहीं है। हमारा राज्य, हमारे संविधान जब हमारा बनाया गया था तो उसमें प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए वो रखा गया था। वैसे ही है, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य अपना सांप्रदायिकता से अलग बिल्कुल है ना। तो ये धर्म प्रचार सारे अनुच्छेद 25 के अंतर्गत सारे अपना धर्म प्रचार कर सकते हैं। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत सारे अपना धर्म प्रचार कर सकते हैं और धार्मिक प्रथाओं को मान सकते हैं। अब आता है अनुच्छेद 26 क्या है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंध की स्वतंत्रता। जैसे कहीं कहीं जागरण होता है, माता जी का नवरात्रि होता है और जागरण होता है, वहाँ पर बहुत लोग मिलकर चंदा वसूल कर एक धार्मिक कार्य करवाते हैं। जैसे जागरण हो गया, भागवत हो गया, वो करने की अथॉरिटी अनुच्छेद 26 देता है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, कोई धार्मिक कार्य हो रहा है, जागरण वगैरह, उसमें तुम प्रबंध कर सकते हो, ये आर्टिकल 26 कहता है। और धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना करना, ये भी आर्टिकल 26 कहता है। स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की, रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की और हिंदू वादी विचारधारा को उन्होंने आगे बढ़ाया। और यहाँ तक तो ठीक था, वो शिकागो तक गए हिंदू धर्म का प्रचार करने। समुद्र तैर के कैसे गए होंगे, उस जमाने में कोई वाहन नहीं था, वो शिकागो जाके हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं मित्रों। तो आर्टिकल 26 मतलब अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता देता है और धार्मिक कार्य के लिए संस्थाओं की स्थापना करने की आज़ादी देता है। धार्मिक कार्यों के लिए आप अनुच्छेद 26 ये दो राइट्स आपको देता है। अब आते हैं अनुच्छेद 27 क्या है। अनुच्छेद 27 धर्म प्रचार में करों का भुगतान। जब कोई धर्म प्रचार करता है, जैसे कोई हिंदू धर्म का है, कोई अन्य धर्म का है, जब कोई व्यक्ति धर्म प्रचार करता है तो उसमें जो टैक्स लगता है उसका कोई टैक्स दे नहीं होगा, क्योंकि जो हम धार्मिक कार्य कर रहे हैं वो राष्ट्र उत्थान के लिए कर रहे हैं। तो हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, है ना। तो धार्मिक प्रचार प्रसार, किसी धर्म का प्रचार करना गलत नहीं है मित्रों। अब सारे अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हिंदू हैं तो हिंदू के बारे में सोचेंगे, मुस्लिम मुस्लिम के बारे में सोचेंगे, और वैसे ही क्या करता है, यही तो करता है। जब देखो मुस्लिम मुस्लिम का नारा लगाता रहता है और खुद ही चुनाव हार जाता है, क्योंकि वो एक राजनीतिक षड्यंत्र रचता है। यहाँ भारत का संविधान जो है राजनीतिक नहीं, जनता द्वारा लिखित जनता का संविधान है वो भारतीय संविधान। तो इसमें धर्म प्रचार करने पर करों का भुगतान नहीं लिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति हो अपने अपने धर्म का प्रचार करेगा, उससे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 27 देता है, जिसमें करों का भुगतान नहीं किया जाएगा। अब आते हैं अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 क्या कहता है मित्रों। अनुच्छेद 28 राज्य या केंद्र निधि से संचालित शैक्षणिक संस्थाएँ। राज्य या केंद्र निधि से स्थापित शिक्षा की संस्थाएं। आर्टिकल 28 मतलब अनुच्छेद 28 यह कहता है कि
राज्य या केंद्र के पैसों से जो शैक्षणिक संस्थाएं चलाई जा रही हैं उसमें किसी भी धार्मिक पाठ नहीं पढ़ाए जाएंगे। जैसे हमारे विद्यालय हो गए, उसमें कोई मुस्लिम टीचर काम कर रहा है तो अपने कुरान के बारे में बताने लग गया, हिंदू काम कर रहा है तो गीता के बारे में पढ़ाने लग गया, तो ऐसा नहीं होगा। जो हमारा पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसके बारे में हम पढ़ाएंगे। कोई भी केंद्र या राज्य सरकार के पैसों से चलाए गए स्कूलों में अपने अपने धर्म के पाठ्यक्रम, प्रचार प्रसार, धार्मिक प्रथाओं के बारे में नहीं बताएगा। जो सिलेबस है वो पढ़ाओ, बच्चों को आगे बढ़ाओ, ये कहता है आर्टिकल 28, मतलब अनुच्छेद 28 मित्रों। शैक्षणिक संस्थाएं, हाँ, राज्य या केंद्र निधि से जो पैसा ना लगाओ, खुद का विद्यालय, उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है मित्रों। तो ये था हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आपको समझ में आ गया होगा मित्रों। आपको समझ में आया हो कुछ भी, या फिर कोई डाउट हो आप कमेंट करके बताएं, हम आपको इससे बेटर बताने के लिए प्रयास करेंगे। और अगला चैप्टर हमारा मित्रों परसों आएगा, और उसके बीच एक अभी अभी कुछ बदलाव हुए हैं चालान पे, वाहन चालान, मोटर व्हीकल एक्ट क्या है, ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उससे पहले ठीक है मित्रों, नमस्कार।